महादेव जी आपके लिए सकारात्मक अभिषेक भेज रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, कोई इसलिए लौट रहा है आप और आपके प्यार का। महादेव जी चाहते हैं कि आप जाने कि आप जल्द ही एक हिट करेंगे आप पर अप्रत्याशित पुनर्मिलन पथ। इस व्यक्ति ने आपको ऐसे चित्रित करना छोड़ दिया था जैसे आपने उन्हें प्यार से छोड़ दिया हो। उन्होंने आपको अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया और अकेले सहते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि आप कैसा महसूस करेंगे और उनके बाद आपका बचना कितना मुश्किल हो जाएगा। छुट्टी आपने उन पर अपना सारा स्नेह उंडेल प्यार देखभाल और दिया था और अपना पूरा ध्यान उन पर लगा दिया था, लेकिन उन्होंने केवल आपको ही दोष दिया उन्हें इतना कठिन प्यार करने के लिए। इस व्यक्ति ने ए नहीं छोड़ा, एकल दोष और कई अनिश्चित चीजों का आरोप लगाया गया था। वे आपके जैसा व्यवहार करने लगे अनजाना अनजानी। आपको भूतिया बनाया जा रहा था और आपको पता नहीं था कि वास्तव में आपके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने आप में रह गए सभी प्रेम और करुणा को खत्म कर दिया था। आपने उन्हें धोखा देते हुए पकड़ लिया आप कई मौकों पर, लेकिन उन्होंने दावा किया कि यह सामान्य था और आप पर आरोप लगाया छोटी छोटी बातों पर अति प्रतिक्रिया करना। पहली बार में ही उन्हें उस दर्द सदमा और परेशानी का एहसास नहीं हुआ जो वे कर रहे थे अपने जीवन में बना रहे हैं। हर कोशिश करने के बाद भी उन्हें बनाने का संभावित तरीका वे प्यार और देखभाल महसूस करते हैं, आपसे असंतुष्ट थे, त्याग करना। आखिरकार उन्होंने सबसे बुरा काम किया जिससे आप हमेशा डरते थे। उन्होंने आपको आपके बुरे हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने आपका साथ तब छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया हर संभव तरीके से, लेकिन उन्होंने सभी रास्ते बंद कर दिए आपके साथ संपर्क। इस घटना के बाद का दौर बहुत निराशाजनक था और आपके लिए दर्दनाक। आपने लगभग सभी को खो दिया था आपके रास्ते से खुशी। आप ही जानते हैं कि आपने खुद को कैसे संतुलित किया और कैसे आउट हुए उस स्थिति का। इस बात को बरसों बीत गए घटना और आप अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि किसी दिन उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है और फिर से आपके पास लौट आएंगे। महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली है। गुप्त पूजा। महादेव जी ने आपको अपने यहाँ देखा है, बहुत बुरा। महादेव जी जल्द ही आपकी चिंता और दर्द को खत्म कर देगा, ग्रसित होना। महादेव जी अब तक के सबसे बड़े पुनर्मिलन की योजना बना रहे हैं जो आपके भाग्य परिवर्तन को चिन्हित करेगा। यात्रा जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है उसके पास है, उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और आप उस पीड़ा के लायक नहीं थे जो उन्होंने आपको दी थी। उन्होंने आपको अपने अहंकार के लिए छोड़ दिया और स्वार्थ। उन्होंने सोचा कि उन्हें आपसे कहीं बेहतर कोई मिलेगा जो उन्हें जी भर के प्यार करेगा, उनका दिल और आत्मा। लेकिन असल बात यह है कि वे कोई ऐसा नहीं मिला वास्तव में उनकी परवाह करता है और उन्हें प्यार करता है जिस तरह से तुमने किया। वे अपने कार्यों के दोषी हैं जिससे तुम गंभीर हो गए आघात और दर्द के लिए। वे स्वयं को कोसते हैं इतनी बेरहमी से क्रूर और बेरहम। वे लहरों में डूबे हुए हैं दुख और अपराध बोध से। वे बाधाओं और दुखों से भरे मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस क्षण से उन्होंने आपको छोड़ा था तब से वे आपके साथ अपने सभी सुखद समय से गुजरे हैं। वे किसी भी चीज से खुश और संतुष्ट नहीं हो सकते थे। वे बहुत परेशान और चिड़चिड़े रहते थे। अंत में वे तथ्य ये है कि उनकी खुशी निहित है अपने साथ। वे हर संभव तरीके से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता उन्हें मौका भी मिला चाल चलने और बातचीत शुरू करने के लिए कई आयोजन अपने साथ, लेकिन दुर्भाग्य से उनका व्यवहार ने उन्हें दोषी महसूस कराया और उन्हें आपका सामना करने से रोक दिया। महादेव जी ने उन्हें देखा है, पश्चाताप। वे महादेव जी से पूजा कर रहे हैं कि उन्हें उनके लिए क्षमा कर दे गलती। उन्होंने रो रो कर महादेव जी से याचना की है कि उन्हें उनकी गलतियों की सजा दी जाए। महादेव जी मार्गदर्शक चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति को मौका दें, लेकिन अतिरिक्त सतर्क और जागरूक रहना। याद रखें अवांछित स्थितियां जो हो सकती हैं, उठना। महादेव जी ने सच देखा है
प्यार यह व्यक्ति अपने में करता है तुम्हारे लिए दिल। वे विचलित थे और महसूस नहीं कर सके कि कितना वे आपसे प्रेम करते हैं। ये रियूनियन आपकी यात्रा के सबसे चमकीले और सबसे आश्चर्यजनक बदलावों में से एक की शुरुआत करेगा। आपका मिलन आपके क्षेत्र में सुख और शांति की लहरें लाएगा। आपके हर पहलू में प्रचुरता की विशाल लहरें प्राप्त करेंगे आपकी यात्रा। तुम दोनों एक हो जाओगे, एक दूसरे की ताकत और हर बिंदु पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं आपकी यात्रा। इस एकता के साथ वित्त की स्थिरता, अच्छा स्वास्थ्य और ज्ञान आपके क्षेत्र में प्रवेश करेगा। आप दोनों की कृपा बनी रहेगी, अधिक प्यार, देखभाल और स्नेह। आप एक दूसरे के साथ एक मजबूत, अधिक संगत और अधिक भरोसेमंद बंधन विकसित करेंगे। महादेव जी आपको नहलाने जा रहे हैं, सभी आशीर्वाद और अच्छे के साथ विल की लहरों को स्वीकार करो प्रचुर मात्रा में और उन्हें पूरी सकारात्मकता और करुणा के साथ अपने क्षेत्र में प्रवेश करने दें। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, हर किसी को दोष देने के बजाय अपने आप को एक कठिन नजर डालें और देखें कि समस्या वास्तव में आप ही हैं या नहीं। लोग आमतौर पर अपनी गलतियों के प्रति अंधे होते हैं जब वे दूसरों को दोष देने में इतना समय व्यतीत करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को खोजना कभी बंद न करें। पतन होंगे और ऐसे क्षण होंगे जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि महादेव जी आपसे प्रेम नहीं करता। इसे याद रखें, महादेव जी आपसे प्यार करता है, महादेव जी आपकी परवाह करता है और भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। प्रिय महादेव जी, धन्यवाद भगवान। मुझे प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद जब मैं लगातार आपको न करने के अरबों कारण देता हूँ। मेरे पापों से परे देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बना लूंगा जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें बहाल कर दूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें आशा दूंगा, मुझे तुमसे प्यार है। प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने जीवन में चल रही भयानक चीजों के लिए मुझे दोष न दें। मैं बुरे काम नहीं होने देता, ये दुनिया परिपूर्ण नहीं है। मुश्किलें आएंगी लेकिन मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। महादेव जी कहते हैं, हर दिन एक लड़ाई है लेकिन हौसला रखो क्योंकि हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा, मुझे तुमसे प्यार है। प्रिय महादेव जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कभी कभी मुझे मदद के लिए आपकी ओर मुड़ने में शर्म आती है क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुनकर थक गए हैं। इन विकृत विचारों से छुटकारा पाने में मेरी सहायता करें क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे वास्तविक नहीं हैं। तुम मुझे प्यार करते हो, सुनने के लिए धन्यवाद भगवान। महादेव जी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप मेरा अनुसरण करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी पर आपका जीवन परिपूर्ण होगा। आप कठिन समय का अनुभव करेंगे लेकिन मैं आपको उनसे दूर कर दूंगा। आस्था या विश्वास होना। मेरे बच्चे, बुरी चीजें शायद ही कभी बुराई के रूप में प्रच्छन्न होती हैं। वे सुंदर, हानिरहित और जीवन भरने वाली चीजों के रूप में प्रच्छन्न हैं। यदि बुराई स्वयं को वही प्रस्तुत करे जो वह थी तो बहुत से लोग उसका पीछा नहीं करेंगे। महादेव जी कहते हैं, कठिन समय के दौरान मेरे पास दौड़ो, मैं आपकी ताकत बनूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आपके रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा होगा, मैं आपके साथ हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अरे तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, पोन आपकी आत्मा को सड़ता है और एक झूठी सच्चाई को उजागर करता है। यह आपके और मेरे बीच अलगाव का कारण बनता है, यह अपराध बोध और शर्म लाता है। कृपया मदद के लिए मेरी ओर मुड़ें, मुझे तुमसे प्यार है।
महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना खेल बढ़ाएं। मुझे चाहिए कि आप लोगों को दिखाना शुरू करें कि तुम मुझे अपने जीने के तरीके से प्यार करते हो। मुझे चाहिए कि आप खुद को नीचे लाना बंद करें। आप महत्वपूर्ण, सुंदर और मजबूत हैं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं, उसके कारण कृपया मेरा त्याग न करें। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारा उत्थान करूंगा। आपको प्यार किया जाता है, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अगर वे तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं करते जैसे मैंने तुम्हें बनाया है और बदले में तुम्हें बदलने की कोशिश करते हो, तो चलते रहो। वे तुम्हारे लिए नहीं थे। संकेत चाहिए, यह आपके चलते रहने का संकेत है। मैंने तुम्हें एक उत्कृष्ट कृति बनाया है। मुझे तुमसे प्यार है। प्रिय महादेव जी, तूने समुद्रों को दो भागों में बांटा ताकि तेरे लोग उसमें से चल सकें। आपने सचमुच इसे विभाजित कर दिया। कृपया मेरी समस्याओं को आधे में विभाजित करें ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, ये जानना बहुत अच्छा है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से क्या चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहता हूं, उसे जीना जरूरी है, क्योंकि वे समस्याएं टल जाएंगी और मेरी दिव्य सहायता से शीघ्र ही विजयी होंगी। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि आप ये जाने कि पाप से दूर रहना अच्छा है और मैं यही चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वास्तव में इस तरह से जिए। करने से कहना आसान है, लेकिन अगर आप अपना जीवन हर रोज मेरे लिए समर्पित करते हैं, तो ये किया जा सकता है। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।